शामगढ़ सब्जी विक्रेता एवं किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर के गरोट रोड पर किया चक्का जाम। मंदसौर जिले के शामगढ़ नगर में आज गुरुवार को सुबह 8 बजे सब्जी विक्रेता एवं किसानों के द्वारा गरोट रोड पर करीब 30 मिनट तक चक्का जाम किया। विक्रय सीट खाली नहीं होने की बात को लेकर के आक्रोशित हुए थे। थाना प्रभारी कमलेश प्रजापति एवं मंडल अध्यक्ष बलवंत सिंह पवार की समझाइश के पर सब्जी विक्रेता और किसानों द्वारा अपनी मांगों को हल करने के आश्वासन के बाद वहां से हटे। नायब तहसीलदार प्रतिभा भाभोर द्वारा आश्वस्त किया गया। मामला कुछ इस प्रकार है कि कृषि उपज मंडी में सब्जी विक्रेताओं के लिए एक निश्चित स्थान दिया गया हुआ है, जहाँ पर प्रतिदिन सब्जी विक्रेता सब्जियों की नीलामी करते हैं, परंतु जहाँ पर सब्जी विक्रेता किसानों की सब्जियों का विक्रय करते हैं, वहाँ पर लहसुन व्यापारियों द्वारा अपनी खरीदी हुई उपज वहाँ पर फैला दी गई, जिससे सब्जी की नीलामी की जगह नहीं बची और कल की लहसुन भी आज तक नीलाम नहीं हुई। इससे आक्रोशित होकर के सब्जी विक्रेताओं ने यह कदम उठाया। सब्जी विक्रेताओं द्वारा बताया गया है कि पूर्व में भी कई बार इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अभी आश्वासन दिया गया है कि प्रतिदिन प्रातः 6 से 9 बजे तक सब्जी विक्रेताओं को कोई समस्या नहीं आएगी। सब्जी विक्रेताओं द्वारा कहा गया है कि अगर इस प्रकार की समस्या उन्हें आती है तो सब्जी विक्रेता व किसानों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। आज गुरुवार सब्जी विक्रेताओं द्वारा शामगढ़ कृषि उपज मंडी के मेन रोड पर ही सड़क पर नीलामी का कार्य किया गया। शामगढ़ संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट। यहाँ पर क्या सब्जी विक्रेता और व्यापारियों के बीच थोड़ी सी बात हुई है। इसमें यह है कि सब्जी जो वाले आते किसान, उनके लिए जगह नहीं बची थी, लसम के ढेर पड़े थे। ये कमी रही मंडी प्रशासन की कि वो व्यापारियों का माल उठा नहीं पाया। व्यापारियों का माल उठना चाहिए समय पर, जैसे आज खरीदा तत्काल उठना चाहिए, ये तो दूसरे दिन दूसरा माल आ जाए। और सब्जी मंडी विक्रेताओं के पीछे का गेट खोला गया है, क्योंकि दोनों आगे से आते हैं तो भीड़ तो होगी, तो सब्जी 9-10 बजे तक पूरा काम फ्री हो जाता सब्जी वालों का, तो उनके पीछे का रास्ता खुला करा जाए और वहीं पर उनके आना जाना हो जाए और वहीं पर नीलामी के। अभी क्या हल निकाला गया? अभी ये हल निकला है कि पीछे जो रास्ता है वो गेट चालू रहेगा सब्जी वालों का, और ये जो है व्यापारी सब्जी लहसुन के लिए जो है फर्स्ट गेट से आएंगे। क्या नाम है? मुकेश राठौर, चीफ सर। नीलामी को लेकर क्या विवाद हुआ है? आज नीलामी को लेकर विवाद हुआ है कि जहाँ हमारी होलसेल सब्जी मंडी चलती है, उसमें क्या है कि अपने कृषि उपज मंडी वाले और ये कुछ व्यापारी मिलके हमारी सब्जी मंडी होलसेल की जगह लहसुन खाली करवा देते हैं। सुबह 9 बजे लहसुन खाली करवाते हैं, उसके बाद में उस लहसुन को नीलाम नहीं करते। दोपहर में 2 बजे आई वो लहसुन नीलाम होकर चली गई, और वो जो 9 बजे आई वो लहसुन अभी भी पड़ी है। ये आज का मैटर नहीं है, ये इस मैटर को चलते चलते कम से कम 8 से 10 दिन हो गए। मैंने उस विषय में मंडी वाले से बात भी करी, कुछ अधिकारी से बात भी करी, तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया, रोज दिए आश्वासन देते देते मेरे को 2-3 दिन हो गए। मैं इनको फिर मंडी वाले ने बोला, यार हम तो नीलाम करने के लिए तैयार है, आपकी सब्जी मंडी की जगह लहसुन खाली होती है हम तो तैयार है, बाकी उस जगह क्या है कि ये व्यापारी लोग यहाँ नीलाम करने नहीं देते, और यहाँ अगर लहसुन खाली हो गए तो ये व्यापारी लेते नहीं है लहसुन। मैंने कहा क्यों भैया? कि इनका कहना यह है कि सब्जी मंडी को बाहर निकालो, सब्जी मंडी गंदगी करती है। तो हमने कहा कि ठीक है, सब्जी मंडी की इस्तेही जगह दे दो, हमें दूसरी जगह कहीं भी दे दो। तो बोले यार हम नहीं जाने, शासन प्रशासन से बात करो। हमने उस विषय में तहसीलदार साहब को ज्ञापन भी दिया, तहसीलदार साहब का भी उस समय कुछ भी जवाब नहीं आया। तो मैंने व्यापारी गणों से आग्रह किया, मैंने कहा कि यार देख लो यार, आप भी किसान का माल बेचते हैं और ये लोग भी किसान का माल बेचते हैं, और मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरा भी माल आता है, मेरा भी माल ख़राब होता है, तो अपन कुछ ऐसा सलूशन निकाले कि अपन ना आपका व्यवसाय करो और इनका व्यवसाय हो जाए, सबका व्यवसाय हो जाए। मैंने उनसे मांगी सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक मंडी, कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक मेरे को मंडी दे दो खाली जगह, आपका भी काम हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। बातों में मैंने कहा कि नहीं होगा तो देख लो आपके हिसाब से। तो उन सब व्यापारी ने मिलकर, कम से कम 50 जने ने मिलकर मेरे को मारा, उसका वीडियो मेरे पास प्रूफ पड़ा है, मेरे को मारा। मार खाने के बाद भी मैंने उसके नाम की, अनिल खाने के नाम की रिपोर्ट करी,
रिपोर्ट करने के बाद अनिल काला ने मेरे को थोड़ी देर बाद बोला कि एफ आई आर उठा ले तो ठीक है, नहीं तो मैं तेरे को उठवा सकता हूँ। अगर तू एफ आई आर नहीं उठाएगा तो मैं तेरे को उठा सकता हूँ और तेरे को गोली मरवा सकता हूँ। हम पैसे वाले लोग हैं, हम पैसे दे के किसी का मुंह बंद कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। आज जो आपने चक्का जाम किया उसका क्या निकला? उसका हल ये निकला है कि अध्यक्ष महोदय भी आए थे और टीआई साहब भी आए थे और तहसीलदार साहब भी आए हैं और मंडी वाला सचिव भी, हमारे सबके बैठक हुई है। उन्होंने बोला है कि वहाँ जहाँ आपकी सब्जी मंडी लगती है उस सब्जी मंडी में आपका पूरा खाली रहेगा, वहाँ आज के बाद लहसुन खाली नहीं होगी। और वो जो हमारा सेट है उसमें लहसुन जमा कर रखी है व्यापारी लोगों ने, वो भी स्टॉक खाली हो जाएगा वो सेट, और वो जगह हमें देने का ऐसा आश्वासन दिया है। यदि ऐसा काम नहीं होता है तो हम कल फिर यही काम करेंगे, चक्का जाम करेंगे और मंडी नहीं चलाएंगे। और अगर हमको जगह मिल गई है